क्या बोलते हैं सनफ्लावर की सेकंड रो लगा दिए, एक बॉलर, तीन पी शूटर, चार पी शूटर, पांच पी शूटर, ठीक है जी। हाय अल्लाह, एक तो ये नजला और ये ठीक है, बंदे को सारे को करोना हो जाए, करोना का बुखार हो जाए, लेकिन ठीक है ना हो यार। तो आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं लेवल नंबर 5 और लेवल नंबर 6, ठीक है जी। तो यार एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे मोबाइल के अंदर, एक तो ये गूगल फोटोज में बिल्कुल ही बेकार घटिया गूगल फोटोज है, बिल्कुल ही घटिया गूगल फोटोज है। या व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्लांट्स वर्सेस ज़ॉम्बी 1। तो मैंने दोबारा से गेम इंस्टॉल करा, दोबारा से सारे शुरू से मिशन करें, क्योंकि रिसेट करना पड़ा मोबाइल को, क्योंकि मेमोरी फुल हो गई थी, दोबारा से सारे मिशन करें। तो दो दिन जो है वो मुझे मिशन खेलने में लग गए क्योंकि हमारी पूल की सीरीज चली है, तो पूल की सीरीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। ऑल राइट गाइस, वेलकम टू प्लांट्स वर्सेस ज़ॉम्बी 1, ठीक है जी। हमने लेवल नंबर एडवेंचर पे क्लिक कर दिया, लेवल नंबर 5 प्ले कर दिया। तो वहाँ लेवल नंबर 5 वो चिली पैड वाइज, इसके नाम वो चिली पैड मिलेगा, ठीक है जी। तो ये डीएफ साहब कुछ बोल रहे हैं, सुन लो उनकी जगह उनकी बात, ठीक है जी, बोल दिया। अब हमारे को प्लान जो है, यहाँ लेवल नंबर 5 के नाम प्लान जो है वो चूज नहीं करने। ये जो आपको ब्लैक पट्टी, ब्लैक रोज नजर आ रही है आपको, इसके अंदर खुद ब खुद प्लान आते रहेंगे। अब इसके अंदर मसला क्या है कि इस पट्टी के अंदर लेवल नंबर जो नाइट की पूल की जो सीरीज चली है हमारी लेवल नंबर 5 की, इसके अंदर चेरी बॉम्ब जो है बम वाले पटाखे ना, ये बहुत ज़्यादा आते हैं। अब इनका एक फायदा तो है कि हम गार्डन के अंदर तो लगा सकते हैं, लेकिन पूल के अंदर कैसे लगाएं। लिली पैड कम मिलते हैं, पी शूटर कम मिलता है, ये जो वॉलट आ रहे हैं पीले कलर का, ये कम मिलते हैं। अब लिली पैड हम मिलेगा जब तो हम पूल के अंदर लगाएंगे, उसके उसके ऊपर प्लान लगाएंगे, लेकिन सारा लिली पैड मिलता ही नहीं, इतने कम कम लिली पैड मिले। अभी देखो तीन चेरी बॉम आ गए, अब मैं चेरी बॉम को पानी में कैसे लगाऊँ, ये पंगा है। लिली पैड मिलेगा तो मैं चेरी बॉम को पानी में लगाऊंगा ना, एक तो ये बड़ा पंगा है। कभी इसका फायदा भी होता है कि प्लान आपको पैसे जमा नहीं करने पड़े, प्लान आपको जल्दी जल्दी मिले, लेकिन नुकसान भी है भाई इसका। मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ ताकि तुम लोगों को फ्रेम जो है वो पूरा नजर आए, ठीक है जी। और आज हम लोगों ने सलवार कमीज पहनी, तो बताओ कैसे लग रही है, अच्छी लग रही, लग रही फिटिंग टाइट लग रही, लग रही। ये देखो दोबारा चेरी बॉम आ गया, सिर्फ तीन वॉलट आए और तीन लिली पैड आए। अब देखो इतनी देर बाद जाके जो है ना लिली पैड आए, तो भाई गर्मी बहुत हो गई यार, एक तो पता नहीं क्या हो गया, जब से 8-9 मुहर्रम आई है, जब से बारिश होगा बोल रहे, लेकिन बारिश एक दफ़ा भी नहीं हुई है, इतनी हल्की फुल्की फुहार होती है कि वो हफ्स ज़्यादा और गर्मी रहती है। तो इस वजह से वीडियो बहुत देर में आज भी मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि हमारा जो मोबाइल है वो हीट ना हो, ताकि हमारी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो जाए। और सिर्फ इस मिशन के अंदर, इस वीडियो के अंदर सिर्फ 5 और 6 लेवल करेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा करेंगे तो मोबाइल हीट होगा, हम वीडियो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे, ठीक है जी। ये देखो अब एक जाके इतनी देर बाद जाके मुझे वॉलेट मिला, लिली पैड मिलने के बाद भी इतनी देर बाद जाके वॉलेट मिले, तो मैंने वॉलेट लगाया। बहुत चेरी बॉम मिले जा रहे हैं, अब तो चेरी बॉम क्या दिमाग खराब, चेरी बॉम मिले जा रहे हैं दिमाग खराब। अब जाके एक पी शूटर मिला है दिमाग खराब, अबे पी शूटर दे जा रहे हो, अबे चेरी बॉम दे जा रहे हो, अबे जो काम का है वो दो ना, पी शूटर दो, वॉलेट दो, लिली पैड दो, जो सारे पूल में हम लगा सकते हैं, लिली पैड दे नहीं रहे, चेरी बॉम घुसाए जा रहे हो। ओए हो, फर्स्ट वेव जो है हमने पार कर दी, ये फर्स्ट वेव आने वाली है, ओए हो ये फर्स्ट वेव आई है। और एक तो जो ये है ना सुपर वाला प्लान ना, स्पोर्टर ज़ॉम्बी जो है साला, ये तो बड़ा कमीना है भाई साला, इतनी 33 भाग के आएगा। अब लेवल नंबर 5 में पता है क्या हुआ है, प्लान का साइज है वो नॉर्मल इतना बड़ा ही है, बड़ा ही है, लेकिन जो ज़ॉम्बी का साइज है ना, तो ज़ॉम्बी का साइज है वो स्मॉल हो गया, छोटा हो गया, तो वो और जोर जोर से 33 भाग के आ रहे, क्योंकि उनका वजन कम हो गया, उनका साइज सेट हो गया, तो वो चेंज के जरिए भाग के आ रहे, कितने सारे आ रहे हैं फर्स्ट वेव के अंदर, कितने सारे आ गए, अभी सेकंड वेव भी आएगी उसके अंदर देखने कितने सारे आएंगे और चेटी के देखो कितना सा लग रहा है इनका, प्लान के देखो शायद कितना बड़ा लग रहा है, ज़ॉम्बीज़ का साइज देखो कितना सा लग रहा है। अब देखो सारे लोगों ने लिली पैड खा लिया, मैंने पूल के अंदर से मेरे पास कोई प्लान नहीं है, मैं लगाऊँ कैसे प्लान, लिली पैड मुझे मिल जाए, ओए ओए अबे मुझे लग रहा है हम लोग डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हमारा जो लूजर फाइट हो जाएगी इसके अंदर। तो अब जाके लिली पैड मिला है, तो वो ऊपर पहुंच गया, अबे ले भाई अब अंदर घुस गया यार, ले भाई The zombies at your brain. अबे यार ये बाबर दोबारा मैंने ड्राइव कर दिया, ठीक है जी। दोबारा डेव साहब की बातें, हम नहीं सुन रहे भाव, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होगा हमारा, चूज़ योर प्लान हम नहीं कर सकते, क्योंकि लेवल नंबर 5 भी चल रहा है। ये जो आपको साइट में ब्लैक रो नज़र आ रही है, ब्लैक पट्टी नज़र आ रही है, इसके अंदर हमारे को प्लान मिलते हैं, तो उम्मीद है इस बार हमारे को चेरी बॉम नहीं मिले, पी शूटर, वॉलनट और ज़्यादा से ज़्यादा लिली पैड मिले, ताकि हम लोग लिली पैड ना पूल के अंदर लगा सकें। अगर लिली पैड नहीं मिलेगा तो हम पूल के अंदर क्या लगाएंगे,
जैसा कि आपने देखा कि वो घास गार्डन के अंदर से नहीं आए, पूल के अंदर से वो घर के अंदर घुस गए, क्योंकि पूल के अंदर कोई प्लांट लगा हुआ है ना मारने के लिए, तो वो जल्दी से उसके अंदर घुस गए। देखो अभी भी लिली पैड नहीं मिल रहा, अब जाके एक लिली पैड मिला है, एक पी शूटर है, एक वॉलनट मिला है, अब दोबारा चेरी बॉम आ गया, अब चेरी बॉम मिल जा रहा है, अब एक जाए एक पी शूटर मिला है। अब भाई पी शूटर दो, वॉलनट दो, और ज़्यादा से ज़्यादा लिली पैड दो। एक तो ये ब्लैक पट्टी पागल हो गई, चेरी बॉम घुसा जा रही है वैसे भी। अब लिली पैड दो ताकि मैं पूल के अंदर लगा सकूँ। देखो एक और चेरी बॉम आ गया, दिमाग खराब हो गया इस लेवल के अंदर भाई। लेवल नंबर 5 तो बेकार है भाई, लूजर फाइट वाला लेवल है, लूजर फाइट है इसके अंदर। तो भाई इसके अंदर हम विक्ट्री नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है इसके अंदर विक्ट्री करना। अभी हमारी फर्स्ट वेव भी आने वाली है, फिर सेकंड वेव आ जाएगी, तो सेकंड वेव में देखेंगे तो सारे जॉम्बी आ जाएंगे। देखते ही देखो इतना जोर जोर से भाग के आता है ये साला स्पॉटर जॉम्बी। ओए दो दो आ गए, एक रॉक के अंदर दो दो आ गए, अबे कैसे थमाऊंगा मैं इसको। चेरी बॉम साला मिल गया, शुक्र है चेरी बॉम मिला, दिमाग खराब हो गया यार। साला वैसे मिल गया था, अबे दोबारा लगा, दिमाग खराब। शुक्र है साले चेरी बॉम मिला, तो मैंने स्पॉटर जॉम्बी को इनसे मार दिया। अब जाके देखो हमने एक वॉलनट लगाया उसके अंदर, शुक्र एक शूटर लगा दी, दिमाग खराब। पूल के अंदर लगाने में कोई प्लांट मिल ही नहीं रहा हमारे, ना लिली पैड मिल रहा है ना चाहे वॉलनट मिल जाए कि वॉलनट लगा के हम जगह को जोर से बंद कर सके। क्योंकि वॉलनट लगाओ तो वॉलनट से ये फायदा होता है, आपने वॉलनट लगा दिया तो जितनी देर में वॉलनट खाएंगे वो खाते खाते वो मर जाते हैं। वॉलनट का फायदा ये होता है कि जितनी देर में वो वॉलनट खाएंगे, वॉलनट खा के वो मर जाएंगे। वॉलनट्स का ये फायदा है, पी शूटर का ये फायदा है कि आपने एक वॉलनट लगा दी, एक पी शूटर लगा दी उसके पीछे, तो वो वॉलनट खाएंगे और पी शूटर उनको मारता रहेगा, पीछे से मारता रहेगा तो वो मर जाएंगे, उनका ये फायदा होता है। अब देखो तीन चार एक साथ चार से सही बॉम आ गया, अगर चार चार पी शूटर आते तो मैं पी शूटर लगा देता ना, लेकिन पी शूटर आए नहीं। देखो एक और अब आए, अब दोबारा एक चेरी बॉम फिर भी रखा हुआ है साइड में। देखो दोबारा चेरी बॉम आ गया, अभी कितने चेरी बॉम आएंगे, दोबारा चेरी बॉम ही आ जाएगा, दोबारा चेरी बॉम आ गया, फिर चेरी बॉम आ गया। अब है चेरी बॉम का करूँ क्या मैं, तरह से चेरी बॉम का फायदा है कि वो भम है, एक सेकंड में रुकता है वो फूलता है और फट जाता है, चेरी बॉम का ये फायदा है। तो चेरी बॉम जो जब ज़्यादा जॉम्बी रहे ना, तो चेरी बॉम बीच में लगा दो, भम वाला प्लांट है वो बीच में लगा दो, तो उसका फायदा जब है जब आपके पास जॉम्बी बहुत ज़्यादा हो, तो आप ये आगे पीछे करके लगा दो तो वो भम फट जाएंगे, तो जॉम्बी मर जाएंगे। लेकिन थोड़ा जब पानी में कैसे लगाऊँ, पानी के अंदर मुझे ये कि लिली पैड लगाना पड़ेगा, फिर लिली पैड के ऊपर फिर चेरी बॉम लगेगा, पानी के अंदर ये बेकार से है पूल के अंदर। तो हमारी पूल की सीरीज चल रही है, तो पूल की सीरीज भी आप लोग बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हो, व्यूअरशिप हमारी थोड़ी बहुत अच्छी आ रही है, तो ऐसे ही हमारे को सपोर्ट करते रहो हमारे चैनल को इस गेमिंग सीरीज की। हमारी चल रही प्लांट वर्स ज़ॉम्बीज की जो सीरीज चल रही है, पहले डे की सीरीज चली थी, फिर नाइट की सीरीज चली, अब जो हमारी पूल की सीरीज चली, तो थैंक यू सो मच कि आप लोग इस सीरीज को भी पसंद कर रहे हो पूल की सीरीज। अब लेवल नंबर 6 लेवल नंबर 5 इस वीडियो में करेंगे, फिर 7 8 नेक्स्ट वीडियो, फिर 8 और 9 फिर उससे नेक्स्ट वीडियो, फिर हमारी समझो 5 वीडियोस के अंदर हमारी जो है ना एक सीरीज खत्म हो गई है। क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी वीडियो नहीं बना सकते, ज़्यादा लंबी अगर हम एक मिशन एक वीडियो के अंदर हम 4-5 मिशन कर रहे हैं तो वो 25-30 मिनट के ऊपर तक वीडियो चली जाती है। तो फाइनल वेव जो है वो हमारी आने वाली है, हमने 4 वॉलनट उधर, 3 वॉलनट इधर, 1 वॉलनट इधर, उल्टे सीधे प्लान लगाए इसके अंदर, तो समझ में नहीं आ रहा कि आगे प्लान लगाए क्या कर रहे हैं। उल्टे वो देखो पानी के अंदर से आ गए वो, अरे उल्टे सीधे तो चेरी बॉम ने काम खराब किया हुआ है, हर वक्त चेरी बॉम ही आ जा रहा है दिमाग खराब। अबे चेरी बॉम को क्या करूँ मैं, अचानक डालू चेरी बॉम, वॉलनट दो ताकि हम सबको ब्लॉक कर दें, दीवार खड़ी कर दें हम वॉलनट, ना वॉलनट दे रहे हो ना वो दे रहे हो। चलो जी हम लोग सर्वाइव कर तो गए, सेकंड वेव भी हमारी आ चुकी है, हम लोग सर्वाइव कर गए हैं, बस ये थोड़े से प्लांट ज़ॉम्बीज रहते हैं, इनको मारेंगे फिर हमारा जो है वो लेवल जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। शुक्र है भाई चिल्ली पैड मिल गया हमारे को, शुक्र भाई साहब 125 का चिल्ली पैड मिला लेवल नंबर 5 करना। तो चिल्ली पैड नाम है इसका नाम जो है बेसिकली किल ज़ॉम्बीज बैकयार्ड, जो हमारा पूल है ये बैकयार्ड के तौर पर इस्तेमाल होता है। चूज़ योर प्लांट, ठीक है जी, लिली पैड, चिली पैड, ये जल पिरायो पता नहीं क्या नाम है इसका, जली पिरियो, तो लिली पैड, जली पिरियो, और डबल पी शूटर जो 200 रुपये का है, वॉलनट, पी शूटर, सनफ्लावर, हमने स्कॉच लिया है। तो ये चिली पैड है जिसको हम चिली पैड बोलते हैं, इसका नाम है जल पैरियो, तो बेसिकली जो इसका नाम है वो जल पैरियो नाम है, ठीक है जी, हम इसको चिली पैड बोलते हैं, क्योंकि चिल्ली की तरह फटता है, तो चिल्ली की तरह फटता है तो पूरे वो हमारे गार्डन के अंदर आग लग जाती है। और हाँ इस वीडियो के ना इस लेवल के अंदर लेवल नंबर 6 के अंदर हमारे को 3 वेव से सामना करना पड़ा, नहीं दो वेव ही है, दो झंडे लगे हुए, तो दो वेव ही, क्या पता लेवल नंबर 7 के अंदर हमारे को तीन वेव के साथ सामना करना पड़े लेवल नंबर 7 या 8 में, क्योंकि आगे जाके ना और लेवल जो है ना वो तकड़े हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे।
तो बेहतरीन तगड़ी मैच होगी। फिर लेवल नंबर 7 और 8 के अंदर, फिर 9 10 भी देखते हैं, फिर 9 10 के अंदर हमारे कौन कौन से जॉम्बीज है, कौन कौन से प्लांट से लड़ना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब देखो, अब जब से हमने पूल की सीरीज स्टार्ट करी, नेट की सीरीज स्टार्ट करी है, तो जब से हमने एक रॉ छोड़ के हम लोग सनफ्लावर लगा रहे हैं, एक हमने एक रॉ जो है हमने सिक्योरिटी के तौर पर छोड़ी है, ताकि हम जब भी जॉम्बी ज़्यादा हो तो पीछे भी एक जो गार्ड के तौर पर सिक्योरिटी के तौर पर एक जॉम्बीज की रॉ हो, ताकि वो प्लांट्स की रॉ हो, ताकि वो जॉम्बीज को मार सके। एक नजरा बहुत हो रहा है, ऊपर से गर्मी है, चीज़ें जो है ना वो बेकार ना बड़ा गड़क कर देती है। जल्दी से ये सारा लेवल नहीं, देखो मोबाइल का हीटअप दे दिया इसने यार, एक तो ये ना वीडियो रिकॉर्ड हो पाती है हमारी, भाई मोबाइल हीट कर दे देता है दिमाग खराब। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ कि ना इन दोनों को रोक देता हूँ। चलो वॉइस थोड़ा सा ब्रेक लिया ना मैंने, क्योंकि हमारा जो मोबाइल जो है वो थोड़ा सा हीट हो गया था, गेम भी स्टार्ट कर दिया और रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि दोनों को साथ बंद करना पड़ता है और दोनों को साथ ही बोलना पड़ता है, फिर आगे पीछे वीडियो से फिर वो एडिटिंग के टाइम पर मैंने वो मसला कर दिया। तो दोनों को मैंने यूँ उंगली करके साथ करके रोका, ताकि साथ एडिटिंग हो और साथ रिकॉर्डिंग हो, गेमिंग भी रिकॉर्डिंग भी साथ हो और ये खेलना भी साथ हो, क्योंकि चलो जी हमने जो है सनफ्लावर की फर्स्ट रॉ मतलब सेकंड रॉ जो एक जो रॉ है सेकंड रॉ जो है वो हमने क्या बोलते हैं सनफ्लावर की सेकंड रॉ लगा दी है। एक वॉलनट, 3 पी शूटर, 4 पी शूटर, 5 पी शूटर, ठीक है जी। अरे अल्लाह, एक तो ये नजला और ये ठीक है, बंदे को सारे को करोना हो जाए, करोना का बुखार हो जाए, लेकिन ठीक है ना हो यार, ना नजला ये जो फ्लू है ना, मैं इसकी दम यार पका देता है, बिल्कुल पका देता है ना यार, ठीक है, रुकती नहीं है 2 सेकंड 10 सेकंड, मतलब आप खाना खा रहे हो इतनी छींकें आएंगी, इतनी छींकें आएंगी कि बड़ा गड़क हो जाएगा। देखो छींकों पर छींकें आ जा रही है, समझ में नहीं आ रहा यार। चलो जी लेवल नंबर 6 फर्स्ट वेव जो है वो हम उसके बहुत करीब हैं, फर्स्ट वेव जो है वो आने वाली है, ठीक है जी। तो फर्स्ट वेव आने वाली है, अभी तक हमने सिर्फ 3 वॉलनट लगाए, एक पूल के अंदर, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, और ये टोपी वाला प्लांट भी आ गया, और इसके अंदर लेवल नंबर 6 के अंदर हमारे को गाड़ी वाले के गाड़ी से भी सामना करना पड़ेगा, जो एक जो ज़ॉम्बी है वो गाड़ी लेके आएगा, तो घास काटने वाली गाड़ी होती है ना, तो वो गाड़ी लेके आएगा, तो उससे हम किस कैसे बच सकते हैं, हम चिली पैड लगाएंगे, जो हमारे पास 125 रुपये का चिली पैड है, ये भम वाला चिली पैड है, तो इसको हम लगाएंगे तो पूरी गाड़ी उसकी जो है वो चूरा शुरू हो जाएगी, चकने शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो पूरी रॉ के अंदर आग लगा देगा, इतनी ज़ोर से पड़ता है, पूरी रॉ के अंदर आग लगा देते, जितने भी ज़ॉम्बी होंगे एक रॉ के अंदर वो सब मर जाएंगे ज़ॉम्बी, ठीक है जी। तो एक वॉलनट, 3 वॉलनट लगा दिए हमने, क्योंकि हमारे को पैसे जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो स्लो मिलना है, सन जो है वो हमारे को बहुत स्लो स्लो पैसे दे रहे हैं, इसी वजह से हमारे को लिली पैड भी स्लो लगाने पड़ रहे हैं और प्लांट भी स्लो लगाने पड़ रहे हैं। तो अब जाकर हमने दूसरा वॉलनट लगाया, अभी तीसरा वॉलनट लगा दिया, तो हमने 4 वॉलनट, अभी भी 2 वॉलनट बाकी है लेफ्ट साइड पे, क्योंकि हमको पूरी रॉ करनी है ना, अगर हम वॉलनट की रॉ दीवार नहीं खड़ी करेंगे वॉलनट वाली की, तो ज़ॉम्बी जो है वो जल्दी जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि वॉलनट से फ़ायदा ये होता है कि वो ज़ॉम्बी जो है वॉलनट खाते रहते हैं और पीछे से उनको फायर लगते थे, तो वो खाते रहते और मरते रहते, खाते रहते और मरते रहते, इसमें ये फ़ायदा होता है। और इसके अंदर हमने रिपीटर भी लिया है, एक पी शूटर था, एक रिपीटर, ये जो डबल रिपीट, ये जो 200 रुपये आता है आपको साइड में हमको आपको नजर आ रहा है, ये है रिपीटर, तो ये 200 रुपये का, तो ये एक साथ 2 गोले फेंकता है, एक ये जो पी शूटर है ये एक गोला फेंक रहा है, जब ये देखो हमने लगाया ना पूल के अंदर जो सबसे पहली वाली रो है उसमें लगाया, तो ये एक साथ 2 वो फेंकता है, ये देखो ये आ गई गाड़ी आ गई, ये देखो ये पूरा हमारा जो है वो गाड़ी जो है वो साफ़ कर दी जाएगी, कैसे वाइड हो गया था, तो हमने जैसे हमने चिली पैड लगाया वो मर गया, कैसा उसका चूरा चूरा हो गया, देखो आपने जल्दी से यहाँ पे भी लगा दे। अब यार स्कॉच जो है वो ज़ाया ही हुआ, क्योंकि हमने स्कॉच वो मक्स की गर्दन टूट गई थी, वो स्कॉच उसके ऊपर चढ़ गया, तो 50 रुपये का स्कॉच हमारा ज़ाया हुआ यार, शिट हो गया यार। चलो जी उस तरफ की रॉ पूरी हो गई है, इस तरफ की रॉ हमारे को पूरी करनी है, फर्स्ट वेव से हम गुजर चुके हैं, सर्वाइव कर चुके हैं फर्स्ट वेव से, ठीक है जी। तो सेकेंड वेव से हमें सर्वाइव करना है, ठीक है। और चीनी पापा जो है बाहर शोर कर रही है, क्योंकि उसको अंदर आना, उसको पता ना कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, चाहता है वीडियो बना रहे हैं, तो जैसे ही मैं कंप्यूटर से लाऊंगा कंप्यूटर में बैठूंगा फौर आ जाएगी भागते हुए, मैं देखनी होती है बस उसको, तो अभी थोड़ी सी देर हमारे बस 5-10 मिनट की बात है, हमारी वीडियो रिकॉर्ड है, फिर दरवाज़ा खोलेंगे चीनी पापा मैं देखेंगे, ठीक है जी। जल्दी से बस इस लेवल नंबर 6 पर हमारी सेकंड वेव आने वाली, जिस लेवल नंबर 6 से सर्वाइव करते हैं। तो पूल के अंदर और लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट गार्डन में हमारी जो 2 रॉ है सनफ्लावर के बाद, जो 2 रॉ है हमारी पी शूटर की पूरी हो चुकी हैं, हमारे को 1 2 3
एक दो तीन, तीन हमारे को पी शूटर और लगाने हैं, तो जल्दी से लगाते हैं ताकि हमारे पास तगड़ी फौज हो। ठीक है जी, तगड़ी फौज हो ताकि हमारे पास, चलो जी हमने एक तो लगा दिया, अब एक उस तरफ लगाना है और एक ये डबल पी शूटर जो है वो इस तरफ लगाना है, तो डबल पी शूटर जो है वो इस तरफ लगाते हैं ताकि हमारे पास फौज जो है वो खड़ी हो जाए। ओ, एक हमने वो लगा दिया, शिट यार, एक तो है ना जॉम्बी, चलो जी लगा दिया। तो हमने पूल के अंदर दो रिपीटर लगाए और बाकी जो आगे चार हैं वो पी शूटर लगाए, पूल के अंदर सिर्फ दो रिपीटर लगाए ताकि पूल के अंदर जो है वो ज़्यादा जॉम्बी आते हैं, वो पानी के अंदर से भी आते हैं, अंडर वाटर भी जॉम्बी जो है वो पानी अभी अभी भी है, जब आखिरी वेव आएगी ना तो पानी के अंदर से जॉम्बी निकलेंगे। तो पूल के अंदर हमारे को तगड़ी फौज खड़ा करना ज़रूरी है ताकि वो लड़ सकें, हम सर्वाइव कर सकें। अ ह्यूज वेव ऑफ जॉम्बी इज अप्रोचिंग, लिखा हुआ आ गया, फाइनल वेव इज कमिंग। ओ देखा देखा, तीन तीन निकले, फिर साइड में से गाड़ी भी आ रहा है, जो टोपी वाले थे ना ये अंदर अंडर वाटर बैठे हुए थे, जिसकी फाइनल वेव के अंदर आ गए, जो फाइनल वेव लिखा हुआ है ये अंदर से निकले और गाड़ी भी आई। अब तो देखा मैं स्लीपर लगाया, कैसी गाड़ी की चूरा चकना चूर हो गई, बुरादा निकल गया उसके, पूरा चूरा चूरा हो गया गाड़ी। ठीक है जी, चीनी पापा दरवाजा खोल दीजिए, अभी मत खोलो, रुको अभी रुको। चलो जी हमारा लेवल जो है वो कम्प्लीट हो चुका है, हमारे को मिला है स्पाइक वीड, स्पाइक वीड मिला है। ठीक है जी, लेवल नंबर 7 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलो गाइस, इस गेमिंग वीडियो को, इस गेम प्ले वीडियो को इतना लगता है, आई होप आपको ये गेमिंग वीडियो पसंद है, कि वीडियो पसंद लाइक कर देना एंड चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, पंखा बंद करके ज़्यादा पसीने से बुरा हाल हो गया, देखो मेरी पूरी कमीज हुई, देखो कैसे पसीने आने शुरू हो गए भाई साहब। तो भाई बहुत मुश्किल है, तुम लोग लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ, अपने अम्मा पापा के साथ, अपने फ्रेंड्स सर्कल में सबके साथ वीडियो शेयर कर दो और भाग जाओ यहाँ से।